नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये हम शंग्रफ भस्म बना रहे हैं बहुत स्पेशल वाली, और ये आप देखें बहुत ही स्पेशल वाली शंग्रफ मैंने ली है। ये आप देख सकते हो बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी की शंग्रफ है दोस्तों। ये शंग्रफ हमें लगभग एक महीना पहले बना लेनी थी, मगर अच्छी क्वालिटी की शंग्रफ हमें नहीं मिल पाई, इस वजह से ये शंग्रफ भस्म बनाने में हमें थोड़ी सी देर हो गई। अब दोस्तों ये देखें, ये प्याज का लुगदा हमने डाला हुआ, ये नीचे बहुत ही धीमी धीमी आंच चल रही है, और ये शंग्रफ की डलियां हम प्याज में रखेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, प्याज का लुगदा आपको कोशिश ये करनी है बारीक से बारीक बनाने की, क्योंकि जितना बारीक लुगदा होगा उतनी ही बढ़िया शंग्रफ आपकी भस्म होगी, क्योंकि इसका रस जब शंग्रफ में जाएगा तो शंग्रफ में जो गंधक है वो इसके साथ रिएक्शन करके पारे को भस्म करेगी, पारे को मारेगी, यानी कि भस्म बनाएगी। दोस्तों ये आँच थोड़ी और कम कर दी है, अभी थोड़ी देर बाद इसे आँच को बढ़ा देंगे। अब दोस्तों ये आप देखें शंग्रफ की डलियाँ, और ये अपना प्याज का बारीक लुगदा, तो ये पूरा हम भर देंगे। ये तो दोस्तों ये हमारी बहुत ही शानदार शंग्रफ की भस्म बनेगी। इसी तरीके से इसे सात पुटें देंगे दोस्तों। अब सबसे पहले जब मैंने प्याज के लुगदे में शंग्रफ की भस्म बनाई थी, तो उसके बाद से YouTube पे शंग्रफ भस्म बनाने की झड़ियाँ सी लग गई जब मैंने शंग्रफ की भस्म YouTube पे अपलोड की, और ख़ास करके प्याज के लुगदे में बनाने वाली। तो YouTube पे जो फर्जी बंदे थे उन्होंने झड़ियाँ लगा दी कि प्याज के लुगदे में शंग्रफ भस्म, प्याज के लुगदे में शंग्रफ भस्म। मगर दोस्तों जो ये बरसाती मेंढक हैं वो इसकी ABCD भी नहीं जानते, भाई प्याज के लुगदे में शंग्रफ की भस्म बनाते क्यों हैं, और चीज़ों में भी तो बना सकते हैं मगर प्याज के लुगदे में ऐसी क्या खासियत है, प्याज में ऐसी क्या खासियत है कि प्याज में बनानी ज़्यादा बेस्ट होती है। तो ये चीज़ें दोस्तों जो ये बरसाती मेंढक हैं, एक बार मैसेज करके इन्हें पूछना कि प्याज के लुगदे में ही शंग्रफ भस्म बनानी बेस्ट क्यों होती है, या देसी घी में बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, या भिलावे में बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। ये दोस्तों अलग अलग चीज़ों में जो शंग्रफ की भस्म बनाई जाती है उनके अलग अलग फ़ायदे होते हैं, उनके अलग अलग गुण होते हैं, मगर ये गुण क्या होते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। YouTube पे कोई इक्का दुक्का बंदे ही ऐसे होंगे जो इस चीज़ की जानकारी रखते हैं, नहीं तो ज़्यादातर YouTube के ऊपर 95% 98% बंदे फ्रॉड हैं। तो इस तरीके के फ्रॉड बंदों से बचें, और जो मेरे वैद्य भाई जानना चाहते हैं कि शंग्रफ की भस्म को प्याज के लुगदे में ही क्यों बनाते हैं, प्याज के लुगदे में ज़्यादा बेस्ट क्यों है, तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अगर आप कहोगे तो मैं अगली वीडियो में भी ये बताऊंगा कि प्याज के लुगदे में क्या गुण होते हैं, देसी घी में क्या गुण होते हैं, और भिलावा मालकंगनी इन चीज़ों में बनाए गए शंग्रफ में क्या गुण होते हैं। तो यह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।